मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। विकास दुबे की खात्मे से यूपी में ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत हुई है। टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऑपरेशन मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी गैंग के 20 से 25 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा है और 7 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। संख्या और बढ़ सकती है। मुख्तार गैंग के शूटर प्रकाश मिश्रा की संपत्ति जब्त कर ली गई है। ब्रिजेश सोनकर की संपत्ति जब्त कर ली गई है। हम आपको आगे बताते हैं अगला टारगेट पर कौन कौन माफिया डॉन है और कहां कौन सी जेलों में बंद हैं। विकास दुबे इनकाउंटर के बाद यूपी सरकार ने अपराधियों का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। योगी सरकार ने यूपी के सभी खूंखार अपराधी की लिस्ट जारी की है, डीजीपी को सौंपा है। लिस्ट में पहला नाम मुख्तार अंसारी का है, पंजाब की जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी पर 1988 में पहली बार हत्या के मामले में नाम आया था। अपहरण के 40 मामले दर्ज हैं। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर में नाम का खौफ है। अपराधियों के दूसरे नंबर पर हैं उमेश राय, मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर। इस वक्त रामपुर की जेल में बंद है। यूपी में अपराध का तीसरा नाम है त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन कुमार, जो इस वक्त मिर्जापुर में बंद हैं, जेल में बंद हैं। चौथे नंबर पर अतीक अहमद हैं, जो इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अतीक अहमद पर कुल 109 केस दर्ज हैं। पांचवें नंबर पर हैं खान मुबारक, ये लखनऊ जेल में बंद हैं। पहले छोटा राजन गैंग से जुड़ा था। सरकार का ऑपरेशन क्लीन का ये पहला दौर है, लेकिन इसी तरह लिस्ट में खूंखार अपराधियों का 34 लोगों का लिस्ट में नाम है, जिसका एक एक करके हिसाब करना बाकी है। ये वो 34 लोग हैं जिसको लेकर योगी सरकार का मानना है इस पर अगर नकल कसी गई तो यूपी में अपराध जगत की जड़ें खत्म हो जाएगी। हालांकि 34 अपराधियों में से ज़्यादातर जेल में कैद हैं, लेकिन ये चाहे जेल में हो या बाहर, उनका खौफ यूपी में चलता रहता है। ये जो चाहे वो जेल में बैठे बैठे करवा देते हैं, इनका काफ़ी दबदबा है। लेकिन अब यूपी के सभी आला अफसरों को निर्देश दिया गया है अपने अपने ज़िलों में फौरन अपराधियों पर कार्रवाई शुरू करने की। पहली बार बदलाव भी किया गया है। अब सिर्फ अपराधियों को पकड़कर जेल में डालना या इनकाउंटर करना नहीं है, बल्कि पहली बार आर्थिक रूप से तोड़ने का प्रयास शुरू हुआ है। यूपी के खूंखार अपराधी की बैंक अकाउंट, नामी बेनामी संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। अतीक अहमद के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है। इस कड़ी कार्रवाई में अपराधी अलग अलग जेलों में बंद हैं मगर घबराए हुए हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।